हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल CBST में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो था वह कितना 22 सितंबर है और आज का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं जो मैं आप लोगों को उसका वीडियो बना के आप लोगों के लिए शेयर कर दे रहा हूँ, जिसका आंसर भी और क्वेश्चन भी, जो भी क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन और पता हो तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक एक थंब देने से आप लोगों को तो कुछ जाता नहीं है और ना मुझे उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, ये भी बात है। लेकिन लाइक आप लोग कर दीजिएगा और प्लस में आप लोग चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दें, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिलेगा तभी मैं कुछ आगे कर सकता हूँ और आप लोगों को उसे फ़ायदा है कि आप लोग जो मेरा अच्छा वीडियो होगा या जो भी मेरा वीडियो होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ये होगा नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसे ऑन कीजिए मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके पास वीडियो मेरा पहुंच ही जाएगा। तो चलिए आप लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आइटम्स ऑफ क्रोकोडाइल टीयर्स, ये फेमस क्वेश्चन है और ये उम्मीद भी है कि आप लोग बनाए होंगे। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ होता है और उसका आंसू जानते ही हैं कि वह बेकार का होता है, तो इसका इनसिंसियर सैरोप बेकार में जाए किसी के घर पर और दुख व्यक्त कर दिया, वैसे ही इसका मीनिंग निकल रहा है। फिर है वन हु हैज ओमेन, ओमेन से जी घृणा करता है, औरतों से जो घृणा करता है उसे मिसोगैनिस्ट बोला जाता है। फिर क्वेश्चन था विथ फ्लाइंग कलर, विथ फ्लाइंग कलर का अर्थ होता है सक्सेस, महान, अगर बोला जाए तो सक्सेस अचीव कर लेना, तो विथ ग्रेट सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद ब्रिज था तो उसका होता है हिंसा, वायलेशन, अहिंसा बोल सकते हैं। फिर एंटोनिम्स ऑफ कीन, तो ये तो फेमस है, कीन मिस होता है तेज और ब्लंट होता है इसका। अभी तक मैं देख रहा हूँ जितना भी क्वेश्चन आए हैं ये सब एक ही बुक को टारगेट करके आ रहा है, वो है आपका RS अग्रवाल का, एक RS अग्रवाल जो होते हैं उन्हीं का ये बुक आता है, उसी का ये है, ये सब क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। उसके बाद है साइनोनिम्स ऑफ स्ट्रेटजी, तो इसका जो हो जाएगा वह पॉलिसी हो जाएगा। फिर आता है उसके बाद ये है कि नंबर फॉर्म ऑफ नाउन फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव ये हो जाएंगे। फिर वन क्वेश्चन ऑफ बिफोर से आया था जो कि कल भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कंट्रेरी जो होता है वो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो ये आसान क्वेश्चन था, ये जो होता है टू प्रीपोजिशन लेता है। उसके बाद भी और क्वेश्चन आए थे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक तो ये वॉयस और नरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो जैसे नरेशन से इजी ही दिया हुआ था, द वेटर सेज द लंच इज रेडी, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस डैट का प्रयोग कर दो, क्योंकि ये तो आपका प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा करना का हो तो करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो बस वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग डैट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था दे वेयर लाफिंग एट द जोकर, इसको पैसिव, ये आपका एक्टिव है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना हो या पैसिव से एक्टिव में, तो दोनों ही आप लोग देख सकते हैं ये सही हो जाएगा। जैसे दे वेयर लाफिंग एट जोकर, तो जो जोकर वाज बींग लाफ्ड एट बाई देम, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन था द रीज़न वाई ही स्पोक सो र्यूडली इज बिकॉज ही इज इमोशनली डिस्टर्ब टूडे, ये था इमोशनली वो डिस्टर्ब था आज के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, यहाँ पे भी वर्ब आपका प्रेजेंट में है, तो फिर यहाँ पे ये कैसे पास्ट में आ सकता है, थोड़ा सा अगर माइंड यूज किए होंगे तो आप लोगों का इसका आंसर आप पता चल सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीक्स हो जाएगा, यही थोड़ा थोड़ा सा के लिए खेल होता है बस। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि जो फर्स्ट CM है वो कहाँ की, फर्स्ट वुमेन CM किस जगह की बनी थी, तो सुचेता कृपलानी थी, वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सर्विंग इन UP, जो कि UP में सेवा दी थी लगभग 1993 के आसपास में, ये वहाँ पे चुनी गई थी। फिर क्वेश्चन था माउंटेन सीरीज बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एशिया और यूरोप के बीच का जो माउंटेन सीरीज है वो यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत है, उसी से एशिया और यूरोप अलग होते हैं, तो ये भी लगभग आसान क्वेश्चन थे ही थे। जो लोग भी अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो उनका ये फिक्स है कि आंसर जो होगा वे सही होगा और वे लोग जॉब क्रिएट कर ही लेंगे अपने लिए। फिर ये एक बात बता दो कि जो आप लोग अगर पढ़ना चाहें, ये आपके करेंट ये आप पढ़ना चाहें इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए एक बुक आता है जूनियर जंतर मंतर, आप जाके मांग सकते हैं मार्केट में, वहाँ पे जंतर मंतर लिखा होता है जो इंग्लिश के लिए स्पेशली आता है, और उसी से सारे क्वेश्चन हो, चाहे SSC हो या आपके एयरफोर्स हो, एयरफोर्स के लिए तो काल है वह बुक, मैं जहाँ तक जानता हूँ, तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं मार्केट से जाकर। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।